हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं इंडियन टेक्नोलॉजी को। तो फ्रेंड्स, इंडियन टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि आप लोग ऑनलाइन रसीद कैसे काटेंगे। तो फ्रेंड्स, रसीद काटना एक बहुत बड़का काम है। फ्रेंड्स, बता दें कि आपको पहले ऑफलाइन रसीद करता था, अब ऑनलाइन कर दिया गया है। फ्रेंड्स, अब जब कर्मचारी के पास जाते हैं तो वो बोलता है कि आप ऑनलाइन रसीद कटवा लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम बता दें कि आप लोग अपने खुद से कैसे रसीद काटिएगा वो भी हम प्रक्रिया बताएंगे, और मोबाइल से कैसे काटिएगा फ्रेंड्स वो भी हम प्रक्रिया इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए रसीद काट के दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को इस वेबसाइट पे चलाना है, जो कि हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप यहां डायरेक्ट चला सकते हैं या फिर आप सर्च कर सकते हैं दाखिल खारिज ऑनलाइन, या दाखिल खारिज सर्च कीजिएगा तो सबसे पहले जो वेबसाइट दिखेगा वो इसी का दिखेगा। इस पर चले आना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब आपको रसीद काटने के लिए यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर फोन से काट रहे हैं तो फ्रेंड्स फोन में थोड़ा सा इस प्रकार से खुलेगा। फ्रेंड्स, हम बता दे आपको रोटेट करके इस प्रकार से खुलेगा। तो आप लोग नीचे कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या आपको भू लगान दिख रहा है। अभी हम फिलहाल पूरा डेस्कटॉप करके दिखाएंगे। आप लोग अगर देखना चाहते हैं मोबाइल से व्यू करके तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। वहां पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके आप लोग डेस्कटॉप मोड इनेबल कर लीजिएगा, उसके बाद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स भू लगान यहाँ पे क्लिक करिएगा। भू लगान पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड खुलेगा। तो यहाँ पे लंबित भुगतान यानी कि बताया जा रहा है कि फेल ट्रांजेक्शन स्टेटस। जैसे कि होता क्या है कि जब आप किसी भी ट्रांजेक्शन को जब आप ऑनलाइन मतलब पे कर रहे हैं लगान, अगर उस स्थिति में आपका हो सके तो पेमेंट हो गया और वहां पे आपका प्रिंट वगैरह नहीं निकला, तो उसके लिए यहां पे आप सर्च कर सकते हो। तो इसको क्लिक कीजिएगा तो आपको ट्रांजेक्शन आईडी मांगा जाएगा, जो कि आपके पास होना अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी मांगा जाएगा। तो अभी हम फिलहाल आपको काट के दिखाते हैं कि कैसे आपको अगर फेल भी हो जाता है तो फ्रेंड्स ट्रांजेक्शन आईडी कहां से मिलेगा, सारा कुछ इस वीडियो में आपको कवर करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, तब आपको पूरा समझ में आएगा और कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं होने देंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ऑनलाइन लगान जमा करते हैं। तो जब ऑनलाइन लगान पर क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे इस प्रकार से डैशबोर्ड खुलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जिला, ठीक है, जिला का नाम, तो आपका जो भी जिला में जमीन होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आंचल का नाम पूछा जा रहा है तो आंचल का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़े पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे हल्का पूछा जाएगा, यानी कि आपका पंचायत कौन सा है। हल्का मतलब पंचायत होता है, तो जो भी है पंचायत वो सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मौजा पूछा जाएगा, तो मौजा मतलब गाँव, कौन सा गाँव में आपका फ्रेंड्स जमीन है, ना कि आपका घर का गांव नहीं बताया जा रहा है फ्रेंड्स। जो गांव में जमीन होगा वो गांव सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पे वर्तमान भाग और पृष्ठ भाग ये कैसे मिलेगा, तो यहां पे फ्रेंड्स देख पा रहे हैं कि यहां पे वर्तमान भाग और पृष्ठ भाग जानने के लिए जमाबंदी पंजी देखे, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये रिडायरेक्ट करेगा पंजी रजिस्टर टू में, ठीक है, मतलब जमाबंदी देखे में। अब हम क्लिक करेंगे जमाबंदी देखने के लिए। फ्रेंड्स एक वीडियो प्रॉपर बता चुके हैं, उसमें आप जाकर देख सकते हैं जमाबंदी कैसे देखा जाता है, कि जमाबंदी में क्या क्या समस्या होता है, सारा कुछ हमने बताया है फ्रेंड्स, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। तो जिला यहां सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे आपका आंचल पूछा जाएगा, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करके यहाँ पे फ्रेंड्स हल्का यानी कि पंचायत सेलेक्ट कीजिएगा, फिर आपका गाँव का मौजा सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप खाता से, रैयत नाम से, या प्लॉट संख्या से, या जमाबंदी से आप देख सकते हैं। तो फिलहाल हम अभी हम जमा प्लॉट संख्या से हम देखेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा शो होगा, तो कैप्चा शो को हम भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे, तो फ्रेंड्स देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका इस प्लॉट में तीन आदमी का नाम है, यहाँ पे रघुवीर भगत, राजेंद्र राय, उसके बाद यहाँ पे मंजू देवी। तो हम यहाँ पे मंजू देवी के नाम से जो जमीन दिख रहा है वो हम आपको रसीद ऑनलाइन काटेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इस पर हम व्यू पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही व्यू पर क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भाग संख्या यहाँ शो हो रहा है और पृष्ठ संख्या यहाँ पे शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये देख पा रहे हैं कि ये सब कुछ सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये म्यूटेशन, ये दाखिल खारिज फ्रेंड्स 4 दिन पहले ही कम्प्लीट किया गया है। तो इसको हम रसीद कैसे काटेंगे वो भी देख लीजिए, सारा कुछ है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख पा रहे हैं खाता नंबर, यहाँ पे खिस्सा नंबर और कितना डिसमिल है, सारा कुछ इसमें सही है। तो अभी फिलहाल ये ऑनलाइन हुआ है, अभी चढ़ा है, इसलिए सब कुछ सही है, नहीं तो पुराना वाला होगा तो फ्रेंड्स वहाँ पे यहाँ पे 0 डिसमिल, तो
तो किसी में खाता खिस्सा नहीं है, तो वो सबके लिए परिमार्जन के लिए हमने एक वीडियो प्रॉपर बना चुके हैं, वहां से आप जाके देख सकते हैं परिमार्जन कैसे किया जाता है, सारा कुछ उस वीडियो में हमने बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे भाग संख्या यहाँ पे 6 हो गया और पी संख्या 24 हो गया, तो हम यहाँ पे आपको डाल देते हैं, जैसे कि भाग संख्या यहाँ पे 6 है और पी संख्या यहाँ पे 24 है, तो यहाँ पे डालकर यहाँ पे सुरक्षा कोड यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसको हम जोड़कर लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे खोजे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही खोजे पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे फ्रेंड्स शो हो गया। अब इसको हम देखे पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे फ्रेंड्स देख पा रहे हैं कि ये जो लगान है ये 1 ईयर का है, जैसे कि हमने बताया कि ये 4 दिन पहले ये आपका दाखिल खारिज कंप्लीट हुआ है, तो ये अभी 1 साल का ही हो, 22 और 23 का, ठीक है, तो इसका लगान हम भर देते हैं। यहाँ पे 24 रुपया हो रहा है, लेकिन ये राउंड फिगर में पेमेंट लेगा तो ये 30 रुपया लेगा, तो यहाँ पे हम फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जो यहाँ पे फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि जिन जो पेमेंट कर रहा है, जैसे कि किनके नाम से उसका कोई मतलब नहीं, किनके नाम से उसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे जो पेमेंट कर रहा है वो अपना नाम डाल सकता है, तो अभी हम फिलहाल डाल देते हैं, और एक मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना होगा, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डालना है, तो आप एड्रेस डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक करने के लिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, जैसे कि आई एग्री पर आप क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन आईडी शो हो रहा होगा, देख पा रहे हैं भुगतान संख्या और ट्रांजेक्शन आईडी, तो इसको फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स यही मेन है, अगर आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है या ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत आता है, तो इसी ट्रांजेक्शन आईडी से हम पहले हम बताए हैं कि वहां पे भुगतान पे जाके क्लिक करके हम भुगतान का विवरण हम देख सकते हैं, जब हमारा ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा तब यहाँ पे हम ओके कर लेंगे, उसके बाद फिर से कहेगा फ्रेंड्स भुगतान पे क्लिक करें, तो हम क्लिक करेंगे आगे बढ़ेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जैसे ही आ जाएगा तो यहाँ पे मेक पेमेंट के लिए आपको यहाँ पे वेलकम टू जिनका नाम डालेगा उनका आ जाएगा, और वहाँ पे पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है, तो फ्रेंड्स हम बता दें कि पेमेंट करने का जो यहाँ पे एक नियम लगाया गया सिर्फ नेट बैंकिंग का, यही एक गलत है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड UPI सारा कुछ से देना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ ये आपको नेट बैंकिंग के थ्रू ही लेता है, तो फ्रेंड्स हम ये जो कुछ ही बैंक है जो कि नेट बैंकिंग से लेता है, सभी बैंकों का नेट बैंकिंग नहीं लेता है, लेकिन हम सभी बैंकों का नेट बैंकिंग से करना बता देते हैं, जैसे कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे सबमिट कीजिएगा, सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये SBI का पेमेंट कलेक्ट गेटवे है, जो कि यहाँ पे SBI नेट बैंकिंग से आप पेमेंट करते हैं तो एक रुपया भी चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप अदर नेट बैंकिंग से आप पेमेंट करने जाते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे 6 रुपया चार्ज लगेगा, तो एक्स्ट्रा चार्ज लेता है लेकिन पेमेंट हो जाता है, कम से कम ये भी तो हुआ। और फ्रेंड्स बता दें कि क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करने जाएगा तो यहाँ पे 12 रुपया चार्ज कटेगा, लेकिन वो भी SBI का ही क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। अब हम यहाँ पे SBI नेट बैंकिंग से हम पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको से यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा, जो कि आपके बैंक में लॉगिन होने के लिए, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ आपको फिर से एक बार कंफर्म करने के लिए बोला जाएगा, तो हम कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पे फिर से एक बार फ्रेंड्स आपके मोबाइल पे एक OTP भेजा जाएगा और उसको डाल के यहाँ पे कंफर्म करना है, उसके बाद यहाँ पे कंफर्म करेंगे, तो फ्रेंड जैसे ही कंफर्म कीजिएगा तो यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, ये आपको 60 सेकेंड में रीडायरेक्ट करेगा उस पेज पे, या फिर आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप रीडायरेक्ट हो सकते हैं, तो हम क्लिक करके रीडायरेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे ही ये रीडायरेक्ट होगा तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको पॉपअप खुलेगा, तो आप घबराए नहीं कि मेरा रसीद जनरेट नहीं हुआ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड एनीवे, ठीक है, तो फ्रेंड्स सेंड एनीवे पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट इज सक्सेसफुल हो जाएगा और यहाँ पे लगान रसीद है लिखा हुआ, तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे। जैसे ही लगान रसीद पर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने फ्रेंड्स लगान रसीद इस प्रकार से जनरेट होकर आ जाएगा, जो कि हमने पेमेंट कर दिया है, और यहाँ पे बारकोड होगा, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा होगा फ्रेंड्स,
यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके आप प्रिंट कस्टमर को निकाल के दे सकते हैं, या आपका खुद है तो खुद आप रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कोई टूटी हो या कोई दिक्कत आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।